What's up guys, I'm here Rahul Kumar, you watching Gameology, the best of gaming. Don't forget to subscribe the channel and on the notification bell. हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मोबाइल पबजी के अंदर हम प्रो प्लेयर की तरह खेल सकते हैं, कैसे ज़्यादा किल्स ले सकते हैं, कैसे ज़्यादा विंस ले सकते हैं ज़्यादा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं कौन से वेपन इस्तेमाल करता हूं, किस तरीके से खेलता हूं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं कैसा खेल रहा हूं, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ गोजा है। मैं गोजा ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मेरे को थोड़ा सही लगी थी गोजा उस टाइम, तो इसलिए मैंने गोजा ली थी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ एनिमी का। मुझे पता है कि वो हमारी बिल्डिंग के नीचे पूरी स्क्वाड है, मुझे ये भी पता है। तो बस मैं इस इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ी देर, या तक कि मैं अपने आप बंदे को रिवाइव भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं रिवाइव करने का शायद से मैं मर भी सकता हूँ। इंतजार पूरा होता है, आ चुका है वो। आप देख सकते हैं मैंने कैसे उसको नॉकआउट करा है। अब मुझे पता है वो कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा सीधा अपने दोस्तों के पास, कि वो उसको हील करें। और मुझे पता था वो अपने दोस्तों के पास जाएगा और एक उसको कवर देगा और एक उसको हील करेगा, इसलिए मैं नीचे गया। अब वो दोनों भी नॉकआउट हो चुके हैं, मैं तो उन दोनों को मारूंगा पहले। अब दूसरे वाले की बारी है, और अब मुझे पता था जो चौथा बंदा है वो डर चुका है, तो अब इसी यही टाइम था कि मुझे उसको पूरा कंफर्म करना था, तो मैं गया और फिर जाके उसको मार डाला, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अब मेरी हेल्थ बहुत कम थी, इसलिए मैंने फिर फुल मेडिकेट मारा पूरा का पूरा। 8 बंदे लाइव बचे थे सिर्फ और सिर्फ, और हमें ये गेम जीतना था पूरा का पूरा। तो फिर मैं थोड़ा सा हाइड करके खेलना शुरू करा, और लास्ट में मुझे वो एनिमी दिखी गया, जैसे देख सकते हैं आप इस कार में वो घूम रहा है। मेरा उस टाइम थोड़ा गेम लैग करा था, इसकी वजह से हेडशॉट नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी में बहुत बुलेट्स मारी और आखिरकार फाइनली उसकी कार फूटी गई और हम गेम विन कर गए। तो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप अपने मेंबर को ना ही बचाइए तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब थोड़ा आसपास देख के अपने मेंबर को बचाइए, उसके बाद अपने दिमाग से खेलिए। आप कोई बोले, कोई भी गाइड करे, कुछ भी ज़्यादा बोले, तो आप उसका माइक ऑफ़ कर दीजिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि गेम आप खेल रहे हैं ना कि वो। उसको नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका गेम कैसा चल रहा है, आपका गेम लैग कर रहा है, आपका कैसा स्कोप है, कैसा चल रहा है, सब कुछ आपको आपके ऊपर है, तो आप किसी और की बात ना सुने, अपने हिसाब से खेलिए। और अपने हिसाब से जो वेपन है आपको जो ठीक लगे कि हाँ मैं इस वेपन को एकदम बढ़िया तरीके से चला सकता हूँ, उस वेपन को चलाइए। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय। तो कैसे आप लोग लोग क्या कहे।